देश की रीढ़ है किसान, खुशहाली की नींव है किसान। अपनी विभिन्न योजनाओं के द्वारा मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार निरंतर किसानों की खुशहाली के लिए काम कर रही है। राज्य सरकार ने कृषि के क्षेत्र में विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए कुछ लक्ष्य बनाए हैं। मकसद साफ है, किसानों की भलाई और उनका उत्थान। विगत वर्षों में सरकार ने किसानों के सच्चे हितैषी के रूप में कार्य किया है। श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कृषि और किसानों के हित में अनेक अभूतपूर्व योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें मुख्य हैं संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। ऐसे क्षेत्र जहां प्राकृतिक आपदाओं, रोगों और कीड़ों की वजह से फसलों की बुआई नहीं हो पाती या फिर खड़ी फसलें नष्ट हो जाती हैं, इस योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साल 2011-12 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत सम्मिलित कृषकों को कुल 41.6 करोड़ का मुआवजा दिया गया। इसी तरह 2012-13 में कुल 38.56 करोड़ का मुआवजा और 2013-14 में कुल 350.87 करोड़ का मुआवजा दिया गया। मौसम आधारित फसल बीमा योजना। मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत खरीफ में कम और ज्यादा वर्षा और रबी में कम और ज्यादा तापमान, साथ ही बेमौसम या ज्यादा बारिश से अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित वर्षा के आधार पर कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2011-12 में योजना में शामिल किसानों को कुल 0.65 करोड़ का मुआवजा दिया गया। 2012-13 में कुल 4.84 करोड़ का मुआवजा, 2013-14 में कुल 85.65 करोड़ का मुआवजा दिया गया। प्रदेश में साल 2013-14 में शुरू की गई योजना की शुरुआत में प्रदेश के 19 चुने हुए जिलों के कुल 900 सोलर पंपों की स्थापना सफलतापूर्वक की गई, साथ ही सोलर फोटोवोल्टेक इरिगेशन पंप की स्थापना पर कृषकों को 75% की सब्सिडी भी दी गई। किसान का अधिकार, किसान के द्वार। योजना का उद्देश्य है कृषि विभाग के समस्त कार्यालयों को कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से जोड़ते हुए योजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग और विभाग के कार्यकल्पों में पारदर्शिता लाना। इस योजना का लाभ लेने के लिए आसानी से घर बैठे मिस्ड कॉल देकर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। इस योजना के माध्यम से विभाग के कामों की जानकारी जन सामान्य को भी होगी और लाभार्थियों के खाते में अनुदान की धनराशि का सीधे नकद भुगतान होगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य किसानों को सही समय पर कृषि ऋण मुहैया कराना है, ताकि खेती किसानों के काम आने वाली चीजों की खरीद के लिए उनकी पैसे की जरूरत पूरी हो सके। 2014-15 में 41.21 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 28 फरवरी 2015 तक 39.31 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। दो हजार 2014-15 में कुल 71,514.73 करोड़ रुपए फसली ऋण वितरण का लक्ष्य था, जिसमें खरीफ में 19,686.06 करोड़ रुपए और रबी में 28 फरवरी 2015 तक कुल 51,765.38 करोड़ का फसली ऋण वितरण किया जा चुका है। प्रदेश सरकार की ये कोशिश है कि किसानों को समय पर सही उर्वरक, कीटनाशक और बीज मिल सकें, इनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने का कार्य किया जा रहा है।
इस काम में प्रदेश स्तर पर सहकारिता, गन्ना संघ, यूपी स्टेट एग्रो एवं निजी संस्थाओं का भी सहयोग प्राप्त किया गया है। ओजस्वी मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी विकास में किसानों के महत्व को समझते हैं। वो जानते हैं कि प्रदेश की तरक्की किसान की तरक्की से ही संभव है। वो लोग जो देश के लिए अन्न उगाते हैं, हर मौसम में जी तोड़ मेहनत करते हैं, सरकार उनके हक और सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पूरे हुए वादे अब हैं नए इरादे।